सब्सक्राइब करें द स्पीड स्टडी चैनल को और घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने परिवार द स्पीड स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए, आज जो है आपकी इंतजार की घड़ी समाप्त होती है और आज हम लोग जो है उसी क्रम में मैथ ग्रुप यक्स पर पहुंच गए हैं दोस्तों। अर्थात हम लोग का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है आज उसका आठवां दिन है। जी हाँ दोस्तों, आज उसका आठवां दिन है और मैथ की सेट वन जो है हम लोगों ने स्टार्टिंग में किया था। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो सेट वन वहां से देख लीजिएगा दोस्तों। जो बच्चे बोल रहे थे कि सर मैथ की एक्स ग्रुप की मैथ, तो वो दोस्तों यहां से देखें और पिछली क्लास आप लोग जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। और एक क्लास मैथ की लेकर आया था जिसमें संघ परिच्छेद चैप्टर बताया था दोस्तों, वो आप जरूर देख लीजिएगा। अभी आपको मिलेगा दोस्तों चार या पांच क्वेश्चन जो है संघ परिच्छेद के ही हर बार पूछे जाते हैं दोस्तों, जिसमें आपका परवलय, अति परवलय, दीर्घ वृत्त, वृत्त, ये सारा चीजें आ जाता है दोस्तों। तो वो क्लास आपको मिलेगी, आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, तो वहां पर भी लिंक आपको दी गई है दोस्तों, तो वहां से आप जो है वो क्लास देख लीजिए दोस्तों। एक चीज और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि पीडीएफ केवल उन्हीं बच्चों को मिलेगी दोस्तों, पीडीएफ केवल उन्हीं बच्चों को मिलेगी जो बच्चे क्लास लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, पीडीएफ अब उन्हीं बच्चों को मिलेगी दोस्तों जो क्लास लेते हैं, क्योंकि दोस्तों अब ये है कि पीडीएफ जो आपको व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी दोस्तों उस पर पासवर्ड लगा होगा और पासवर्ड उन्हीं बच्चों को बताया जाएगा जो क्लास लेंगे। जी हाँ दोस्तों, पासवर्ड केवल उन्हीं बच्चों को बताया जाएगा जो क्लास लेंगे। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो भी बच्चा क्लास देखेगा केवल वही ही, क्योंकि पढ़ने वाले मैंने कहा कि ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में काफी बच्चे हैं, लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं दोस्तों केवल उन्हीं को रखा जाएगा, बाकी बच्चों को उसमें से हटा दिया जाएगा। तो पासवर्ड उन्हीं बच्चों को मिलेगा दोस्तों जो क्लास देखते हैं, जो क्लास नहीं देखते उनको हमारी तरफ से कोई भी पीडीएफ नहीं अवेलेबल करवाई जाएगी दोस्तों, याद रखिएगा। तो इसलिए क्लास आप लोग डेली देखा कीजिए। ये रहेगा कि जैसे जो आज क्लास चलती है उसकी पीडीएफ आपको मिलेगी, तो पीडीएफ तो शाम को ही मिल जाएगी, शाम तक डाल दी जाएगी, लेकिन उस पीडीएफ का जो पासवर्ड है वो अगले दिन क्लास में आपको बताया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पीडीएफ का जो पासवर्ड रहेगा दोस्तों अगले दिन क्लास में बताया जाएगा। जैसे जो अभी हमारी क्लास चल रही है दोस्तों, इसकी जो पीडीएफ रहेगी दोस्तों उसका जो पासवर्ड रहेगा उस पीडीएफ का, वो कल की क्लास में आपको बताया जाएगा दोस्तों। तो इससे ये रहेगा दोस्तों कि जो बच्चे सच में मेहनत करना चाहते हैं, सच में पढ़ना चाहते हैं, केवल उन्हीं बच्चों को पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। तो एक बार जल्दी से जय हिंद लिखिए दोस्तों और कमेंट में आइए दोस्तों, एक बार जल्दी से जय हिंद लिखिए और कमेंट में आइए। जय हिंद पबजी लवर अर्थात अभी, आपका नाम जो है कल बताया हमको, बताया गया कि जो है इनका नाम अभी है, तो चलिए ठीक है अभी हो गए दिनेश अवस्थी जी। चलिए जय हिंद, एक बार जल्दी से आप लोग जय हिंद का कमेंट करिए दोस्तों। और अभिषेक कुमार जय हिंद, अनुज शुक्ला जय हिंद, बालकृष्ण पांडे जय हिंद, एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करिए दोस्तों जय हिंद का। विकास मायल जय हिंद, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास और आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ ग्रुप यक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर दो। जी हाँ, आज हम लोग सेट दो पर पढ़ेंगे और हमने कहा है दोस्तों कि मैथ में चूंकि 50 क्वेश्चन होते हैं, मतलब मैथ में नहीं दोस्तों, जो आपका एयरफोर्स यक्स वाई दोनों डाले होंगे दोस्तों अगर, तो उसमें होता क्या है कि जो आपका मैथ का सेक्शन है अर्थात मैथ और फिजिक्स दोनों एक में रहते हैं, 25 क्वेश्चन आपका मैथ का रहता है और 25 क्वेश्चन आपका फिजिक्स का रहता है दोस्तों। तो चलिए हम चलते हैं दोस्तों, और जो क्वेश्चन की स्टार्टिंग होती है मैथ की दोस्तों वो क्वेश्चन नंबर 26 से होती है। ठीक, 25 क्वेश्चन आपका फिजिक्स का रहता है, क्वेश्चन नंबर 26 से आपका मैथ का रहता है दोस्तों। तो सेट दो का क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे दोस्तों हम लोग, और देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ दोस्तों, आप देख रहे होंगे लिखा है उस परवलय का समीकरण क्या होगा जिसकी नाभि 2.3 और नियता
यक्स माइनस चार वाई प्लस तीन है। जी हाँ दोस्तों, नाभ दी गई है आपको और नियता दिया गया है और पूछ रहा है परवलय का समीकरण क्या होगा। दोस्तों देख लीजिए, पहला क्वेश्चन ही शंकु परिच्छेद से आ गया, तो जो भी बच्चे शंकु परिच्छेद वाला चैप्टर नहीं देखे दोस्तों, मैं उनको एक बार फिर से कहूंगा कि शंकु परिच्छेद वाला चैप्टर वो लोग जरूर देख लें दोस्तों, शंकु परिच्छेद वाला चैप्टर वो लोग जरूर देख लें। तो देख रहा हूं, एक बार मैं फिर से बता देता हूं दोस्तों, होता क्या है कि जैसे अगर आपका परवलय बना है दोस्तों, अगर आपका दोस्तों परवलय बना है तो होता क्या है कि जो नाभि होती है अर्थात इसकी यस नाभि है, ये आपकी नियता होती है दोस्तों। तो अगर मान लीजिए परवलय पर कोई बिंदु पी है दोस्तों, परवलय पर कोई बिंदु पी है तो जो इसकी दूरी रहती है दोस्तों इसकी दूरी के बराबर होती है। तो चूंकि जो ये नियता है, नियतक समीकरण हमको दिया गया है दोस्तों यक्स माइनस चार वाई प्लस तीन बराबर जीरो, ये आपको नियतक समीकरण दिया गया है दोस्तों, और कह रहा है कि ना भी दो कामा तीन है। जी हाँ दोस्तों, ना भी का निर्देशांक दो कामा तीन है, तो कह रहा है कि परवलय का समीकरण क्या होगा दोस्तों, परवलय का समीकरण निकालना है तो जो पी बिंदु है इसको आप यक्स कामा वाई मान लीजिए, बस यही इसी से निकल जाएगा। तो दोस्तों परवलय आपका ये है, इसको मैंने विस्तार में बताया है शंकु परिच्छेद वाले चैप्टर से। अगर किसी को यहाँ पे समस्या हो दोस्तों तो परेशान मत होइएगा, आप वीडियो अभी पूरा देख लीजिए लाइव सेशन, उसके बाद फिर दोस्तों जब ये वीडियो खत्म हो जाए तो आप शंकु परिच्छेद वाला चैप्टर जा करके देख लीजिएगा, जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि तीन दो से तीन 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 क्वेश्चन तो फिक्स ही रहता है, दो तीन क्वेश्चन हर बार आता है दोस्तों। तो देखिए होता क्या है दोस्तों, परवलय का समीकरण जो होता है दोस्तों, परवलय के समीकरण के लिए अगर हम इसको यम माने दोस्तों, तो पी एस बराबर पी एम, यही होता है दोस्तों पी एस बराबर पी एम। अगर ये परवलय है दोस्तों, ये यस है, ये पी है और ये समीकरण है अर्थात ये आपकी नियता है दोस्तों। तो देखिए बिंदु पी से यम अर्थात अगर कोई पी एम निकालने के लिए कहेगा तो बिंदु पी से रेखा ए बी पर डाले गए लंब की माप, यही है पीएम दोस्तों। इंटर में आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो मैं बता दे रहा हूं कि परवलय का जो समीकरण निकलता है दोस्तों यही चीज है, ये ना भी होती है आपकी, परवलय पर एक बिंदु रहता है, ये आपकी नियता रहती है दोस्तों। तो परवलय का समीकरण निकालने के लिए दोस्तों पी एस बराबर पी एम करते हैं, ठीक, क्योंकि इसकी दूरी और इसकी दूरी बराबर रहती है। ये मैं चित्र बनाया हूं इसलिए आपको लग रहा होगा कि ये बड़ा ये छोटा है ये बड़ा है, उससे मतलब नहीं है, मैं बता रहा हूं एक तरीका कि पीएम पीएस और पीएम जो है दोस्तों बराबर रहता है। तो पीएस में क्या लगेगा दोस्तों, दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला सूत्र लगेगा दोस्तों, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, दो बिंदु के बीच की दूरी, जी हां दोस्तों दो बिंदु के बीच की दूरी बराबर होती है दोस्तों अंडर रूट यक्स टू माइनस यक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। जी हां दोस्तों ये होता है दोस्तों सूत्र दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, अर्थात पी एस वाले में ये सूत्र लगेगा आपका। उसी तरह पीएम में देखिए दोस्तों, ये एक रेखा है और ये एक बिंदु है, मतलब किसी बिंदु से किसी रेखा पर डाले गए लंब की जो माप होती है दोस्तों, डाले गए लंब की जो माप होती है दोस्तों ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोस्तों। तो जहां पर जो यक्स वन वाई वन है दोस्तों ये आपका बिंदु है, और जो आपका ए बी सी है दोस्तों ये यही यक्स के पहले जो गिनती लिखी है वो ए होता है, वाई के पहले जो गिनती लिखी रहती है दोस्तों वो बी होता है, और जो गिनती ये लिखी है दोस्तों केवल गिनती लिखी है वो आपका सी होता है, ठीक। तो ये दो सूत्र लगेगा दोस्तों, ये दो सूत्र लगेगा दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी जो कैपिटल बनाए होंगे दोस्तों उसमें इसको लिख लीजिएगा। जो बच्चे आज नए जुड़ रहे होंगे मैं एक बार फिर से बता दूंगा दोस्तों कि आप लोग दो रुपए वाली कैपिटल ले लीजिए, जो मैं सूत्र बताता हूं दोस्तों उस सूत्र को उसमें लिखते चलिएगा दोस्तों, ठीक। तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे दोस्तों, चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने कहा दोस्तों कि जब भी आपको समीकरण निकालना रहे तो पी एस बराबर पी एम लिखते हैं और उसके बाद इसी में मान रख देते हैं। तो दोस्तों देखिए पी एस ये है, देखिए पी और यस अर्थात दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला फार्मूला लगेगा, तो क्या लगेगा दोस्तों अंडर रूट यक्स टू माइनस यक्स वन का होल स्क्वायर
प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर दोस्तों। उसके बाद देखिए बराबर पीएम, तो पीएम के लिए क्या करेंगे दोस्तों, इसको मैं मिटा दे रहा हूं दोस्तों, आप चित्र बना लिए होंगे, उसी चित्र में देखिएगा पीएस और पीएम देखेंगे दोस्तों। तो पीएम के लिए क्या होगा, समीकरण आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर लिखा होगा एक्स माइनस चार वाई प्लस तीन, मैं यहां पे लिखता हूं एक्स माइनस चार वाई प्लस तीन बराबर जीरो। तो दोस्तों ए बराबर एक है, बी बराबर माइनस चार है और सी बराबर तीन है दोस्तों, और एक्स वन बराबर एक्स है और वाई वन बराबर वाई है दोस्तों। तो चूंकि मैंने कहा सूत्र अभी अभी हमने लिखा था दोस्तों, डाले गए लंब की माप वाला, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोस्तों, बस इसी में आपको मान रख देना है दोस्तों। तो एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक एक्स टू माइनस एक्स वन, तो इसके लिए जब दोस्तों करेंगे तो हमने अभी जब लिखा था तो ना भी आपकी क्या थी दोस्तों, ना भी थी आपकी दो कामा तीन, जी हाँ दोस्तों ना भी आपकी दो कामा तीन थी और बिंदु आपका एक्स कामा वाई था। तो दोस्तों यहां से एक्स वन का मान एक्स है, वाई वन का मान वाई है, एक्स टू का मान दो है, वाई टू का मान तीन है दोस्तों। मान रखिए अंडर रूट दोस्तों एक्स टू का मान है दो माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू, वाई टू का मान तीन है दोस्तों माइनस वाई वन का होल स्क्वायर बराबर ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी। तो ए का मान एक है दोस्तों अर्थात एक एक्स प्लस बी का मान है माइनस चार और वाई प्लस सी और सी का मान है दोस्तों तीन बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक का वर्ग करेंगे तो एक और माइनस चार का वर्ग, ये है दोस्तों। कहीं भी दोस्तों कोई भी समस्या हो तो कमेंट करिए दोस्तों, कोई भी समस्या हो दोस्तों तो कमेंट करिए। आगे चलते हैं दोस्तों, इसको आप लिख लीजिए पहले का वर्ग मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर, पहले का वर्ग धन दूसरे का वर्ग माइनस टू ए बी, मैं लिख दे रहा हूं दोस्तों ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, जी हाँ दोस्तों यही फॉर्मूला इसमें लगेगा। तो ए स्क्वायर अर्थात दो दूना चार प्लस बी स्क्वायर अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो दो दूना चार एक्स। इसी तरह इसमें करेंगे दोस्तों पहले का वर्ग धन दूसरे का वर्ग माइनस दो तिहाई छ वाई, ठीक ये है दोस्तों। इसकी यहां पे बराबर है, बराबर यहां पे हो जाएगा एक्स माइनस चार वाई प्लस सी, सी का मान दोस्तों तीन है, यहां पे तीन लिखिए प्लस तीन बटे अंडर रूट एक का वर्ग एक प्लस चार चौक सोलह, जी हाँ दोस्तों ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों अंडर रूट सत्रह हो जाएगा। किसी को दोस्तों कहीं भी समस्या हो तो बताइए, किसी को दोस्तों कहीं भी समस्या हो तो बताइएगा, कहीं भी कोई भी समस्या हो दोस्तों जरूर बताइएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं मोहित सर, क्लास कहां पर मिलेगी मोहित, प्लेलिस्ट में जाइएगा आप, प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाने के बाद वहां पर लिखी होगी दोस्तों एयरफोर्स प्रैक्टिस सेट, जी हाँ दोस्तों एयरफोर्स प्रैक्टिस सेट लिखा होगा, उसमें आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक। तो उसमें आपको शंकु परिच्छेद वाली क्लास मिल जाएगी दोस्तों, और किसी को कोई समस्या हो दोस्तों तो बताइएगा। तो चलिए दोस्तों हल करते हैं, देखिए अब इधर अंडर रूट लगा हुआ है दोस्तों, इधर लिखा हुआ है अर्थात अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें दोस्तों तो ये अंडर रूट आपका खत्म हो जाएगा। इसको मिटाल दे रहे हैं दोस्तों, इसका कोई काम नहीं है, सूत्र आप लिख लिए होंगे दोस्तों। सुनिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, एक बार मैं देख लेता हूं दोस्तों क्लियर सब दिख रहा है कि नहीं, सब सही है दोस्तों। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोस्तों, तो जब वर्ग करेंगे तो इधर तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा दोस्तों आपका, उसके बाद दोस्तों देखिए दोस्तों इधर क्या होगा, इसका वर्ग हो जाएगा दोस्तों अर्थात एक्स माइनस चार वाई प्लस थ्री का वर्ग हो जाएगा, और बटे दोस्तों 16 और एक 17, ये भी अंडर रूट लगा हुआ है तो अर्थात अंडर रूट आपका खत्म हो जाएगा दोस्तों। तो यही हल कर लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस चार एक्स माइनस छ वाई प्लस नौ और प्लस चार तो प्लस 13 बराबर, यहां पे दोस्तों देखिए ए माइनस बी प्लस सी का होल क्यूब है, तो होल स्क्वायर है पहले का वर्ग एक्स स्क्वायर धन दूसरे का वर्ग चार चौक 16 वाई स्क्वायर
धन तीसरे का वर्ग तीन त्रिक का नौ। अगर सूत्र ना पता हो दोस्तों तो बताइए, लिखूं मैं a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा है। फिर देखिए दोस्तों प्लस टू ए बी, तो यहां पे माइनस है तो माइनस दो चौक आठ एक्स वाई, ठीक। फिर माइनस चार तिहाई बारह दूनी चौबीस, माइनस चौबीस वाई। फिर दोस्तों तीन दूनी छ प्लस छ यक्स। जी हाँ दोस्तों, कहीं भी समस्या हो बताइए, पहले का वर्ग धन दूसरे का वर्ग धन तीसरे का वर्ग धन टू एक्स वाई, मतलब दो इंटू पहला पद इंटू दूसरा पद प्लस दो इंटू दूसरा पद इंटू तीसरा पद प्लस दो इंटू तीसरा पद इंटू पहला पद, वही वाला नियम लगा है दोस्तों। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मान लीजिए, तो जहां प्लस, अगर यहाँ पे प्लस होता दोस्तों प्लस लिखते, चूंकि माइनस है इसलिए माइनस लिख रहे हैं। कहीं भी दोस्तों समस्या हो तो बताइएगा। आगे देखिए दोस्तों, यक्स स्क्वायर से आपका यक्स स्क्वायर कट जाएगा दोस्तों, यक्स स्क्वायर से आपका यक्स स्क्वायर कट जाएगा दोस्तों। कहीं भी अगर दिक्कत हो रही हो दोस्तों बताइए। मोहित कह रहे हैं सर कुछ गलत किए हैं, रुकिए देख लेते हैं मोहित। सब चीज आपका वही है दोस्तों, चार प्लस एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स प्लस नौ प्लस वाई स्क्वायर माइनस छः वाई, ठीक है। ये तो हमने यही चीज पूरा लिख लिया। फिर यहां पर दोस्तों इसका वर्ग किए हैं, ठीक। मोहित कह रहे हैं कि सर हाँ ठीक, तो पहले का वर्ग धन दूसरे का वर्ग धन तीसरे का वर्ग प्लस टू इंटू पहला पद इंटू दूसरा पद, तो दो चौक आठ एक्स वाई। फिर प्लस टू इंटू दूसरा पद इंटू दो चौक आठ त्रिक चौबीस वाई, ठीक है। फिर तीन इकन्नम तीन दूनी छः एक्स, ठीक है। तो अच्छा हाँ दोस्तों, कटेगा नहीं, एक मिनट, यही चीज़ गलत कर दिए दोस्तों। देखिए दोस्तों बटे में सत्रह है ना, कहाँ काट दिए दोस्तों, आप लोग बता भी नहीं रहे सर कहाँ गलती कर दिए। भाई आपका बटे में सत्रह है, और जब बटे में सत्रह है दोस्तों तो ये कटेगा कैसे बताइए। अगर बटे में कुछ, अगर ये सत्रह ना होता तब तो कट जाता दोस्तों, लेकिन बटे में सत्रह है तो इसलिए ये यहां से यहां कटेगा नहीं दोस्तों। अब यहां जान लीजिए बटे एक है तो इसका गुणा इससे करेंगे दोस्तों, इसका गुणा इससे करेंगे। इसका आप एक बार स्क्रीन शॉट ले लीजिए दोस्तों, क्योंकि दो लाइन हमको मिटानी पड़ेगी। एक बार स्क्रीन शॉट ले लीजिए दोस्तों, एक बार स्क्रीन शॉट ले लीजिए दोस्तों, क्योंकि हमको वो दो लाइन मिटानी पड़ेगी ऊपर की। तो लंबा नहीं है दोस्तों, केवल अभी कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, जब समझ में आ जाएगा सब जल्दी सॉल्व होगा। अगर आप पहली क्लास देखे होते तो इसमें टाइम ना लगता दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे हल करते हैं इसको। 17 से इसमें गुणा करेंगे तो 17 का नाम 17 एक्स स्क्वायर प्लस 17 वाई स्क्वायर माइनस 17 चौको 68 यक्स माइनस 17 छक्का 102 वाई प्लस 17 त्रिक 51 की एक हासिल लगे 5, 17 का नाम 17 5 7 5 12, 17 त्रिक 51 की एक हासिल लगे 5, 17 का नाम 17 5 यानी कि 22। ये बराबर हो जाएगा दोस्तों, इधर का है यक्स स्क्वायर प्लस 16 वाई स्क्वायर माइनस 8 यक्स वाई माइनस 24 वाई प्लस 6 यक्स प्लस 9 दोस्तों। अब देखिए 17 एक्स स्क्वायर में से एक एक्स घटा दीजिए तो 16 एक्स स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। 17 वाई स्क्वायर में से 16 वाई स्क्वायर घटा दीजिए तो प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। 68 8 एक्स वाई इधर लाइए दोस्तों, प्लस 8 एक्स वाई हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों, अब यक्स वाला देखिए तो यहाँ पे 68 एक्स है दोस्तों, यहाँ 6 एक्स है तो 8 छह 14 यानी कि माइनस 74 एक्स हो जाएगा दोस्तों। 102 वाई है, ये 24 वाई उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, घट जाएगा, अर्थात 22 घटा दीजिए आप तो 22 छः 30 यानी कि 70 छः 76 वाई। जी हाँ दोस्तों, और गिनती आपकी क्या हो जाएगी, प्लस 221। अर्थात दोस्तों अर्थात आपका जो सही हो जाएगा दोस्तों, 17 त्रिक 51 की एक हासिल लगेन 5 और 17 इकन्नम 17 17 5 22 212। हाँ ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे देखिए 9 है दोस्तों, ये 9 इधर आएगा घट जाएगा तो 9 घटाइए तो 9 2 11 यानी कि 212 हो जाएगी दोस्तों, बराबर 0। यही होगा आपका परवलय का समीकरण। जी हाँ दोस्तों, यही होगा परवलय का समीकरण, अर्थात जो ऑप्शन नंबर एक है दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर एक है दोस्तों वही आपका सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, परीक्षा में अगर आपको नहीं आ रहा है दोस्तों तो उस पर समय मत बेकार कीजिएगा, क्योंकि होता क्या है कि बच्चे जो है उसको लगाने में लग जाते हैं और टाइम
पूरा हो जाता है। तो इसलिए जब भी आपको ऐसा लगे कि हाँ ये नहीं आएगा दोस्तों, तो फिर उसको मत सॉल्व कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। ठीक, तो ये था। और अगर आपको समझने में दिक्कत हुई हो दोस्तों, तो एक बार आप जो है एक बार आप क्या करिएगा, बैक करके देख लीजिएगा। जब क्लास खत्म हो जाए दोस्तों, तो ये वाला क्वेश्चन एक बार आप फिर से देख लीजिएगा। तो एक बार कमेंट करिए दोस्तों कि समझ में आया कि नहीं, एक बार कमेंट करिए समझ में आया कि नहीं। तो हेलो, अभी सर समझ में आ गया, देवेश समझ में आ गया, हिमन समझ में आ गया। चलिए कोई बात नहीं, समझ में आ गया, अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर दो। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दो पर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर दो क्या है देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, कह रहा है अति परवलय 3x² - y² दूसरा क्वेश्चन है, मतलब 27वां है दोस्तों। 3x² - y² बराबर 4 की उत्केंद्रता। जी हाँ दोस्तों, अति परवलय इतने की उत्केंद्रता बताना है दोस्तों। और हमने हमने दोस्तों संघ परिच्छेद वाले चैप्टर में बताया है कि अगर आपको अति परवलय कह रहा है, तो इसका मतलब x² / a² / y² / b² बराबर 1। इसी से दोस्तों तुलना करवा लेते हैं। तो इसको पहले इस रूप में बनाएंगे दोस्तों, और इस रूप में बनाने के लिए 4 से भाग दे दीजिए, अर्थात 3x² / 4 - y² / 4 = 1 दोस्तों। यानी कि x² / 4/3 - y² / 4 = 1। देखिए दोस्तों उसी की तरह लिख उठा कि नहीं, x² / a² - y² / b² = 1। अर्थात जब तुलना करेंगे दोस्तों, तो ए स्क्वायर का मान 4/3 और बी स्क्वायर का मान दोस्तों 4 आ गया। ए स्क्वायर का मान 4/3 और बी स्क्वायर का मान 4 आ गया दोस्तों। उत्केंद्रता हमको निकालनी है, क्या निकालनी है दोस्तों, उत्केंद्रता निकालनी है। और सूत्र होता है दोस्तों b² = a² - e² - 1। यही होता है दोस्तों, जहां पे e आपकी उत्केंद्रता है, तो e का मान निकालना है दोस्तों। तो बी स्क्वायर और ये इधर आएगा दोस्तों ए स्क्वायर, तो इधर आएगा तो b² / a² - 1, इधर आएगा +1 = e² दोस्तों। तो यहां से जब e का मान निकालेंगे दोस्तों, तो e बराबर हो जाएगा √1 + b² / a² दोस्तों। कहीं भी कोई भी समस्या हो दोस्तों, तो कमेंट करिए। और मजा आ रही है दोस्तों, जय हिंद लिखिए दोस्तों, जय हिंद लिखिए दोस्तों, मजा आ रही हो तो जय हिंद लिखिए। और याद रखिएगा कि कहीं भी कोई भी समस्या हो दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिएगा। एक बार दोस्तों, एक बार आप शेयर कर दीजिए, एक बार आप शेयर करिए दोस्तों, तब फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एक बार जल्दी से आप लोग शेयर करिए, शेयर करके बताइए सर मैंने कर दिया, शेयर करके बताइए दोस्तों कि सर मैंने कर दिया। हेलो, अभी ने कह दिया कर दिया है हमने, दीपक ने भी कह दिया कर दिया हमने। सर जल्दी दोस्तों, एक बार जल्दी शेयर करिए, उसके बाद कमेंट करिए सर मैंने शेयर कर दिया। चाहे जहाँ शेयर करिए आप, चाहे एक ही फ्रेंड को शेयर करें दोस्तों, लेकिन शेयर जरूर करें। चलिए, बहुत से बच्चे शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे इसमें अब मान रखेंगे, बी स्क्वायर का मान देखिए 4 है। मतलब क्या हुआ दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक, इसको मिटाल दे रहा हूँ, इसका काम नहीं है अब। b² = √1 + b² का मान 4 है दोस्तों, और बटे ए स्क्वायर का मान 4/3 है, अर्थात 4 कट जाएगा दोस्तों, तो √4 हो जाएगा। और √4 का मतलब क्या हुआ दोस्तों, 2 हुआ। अर्थात इसकी उत्केंद्रता क्या हो जाएगी दोस्तों, इसकी उत्केंद्रता 2 हो जाएगी। यही था आपका आंसर, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या सही होगा दोस्तों, बताइए। ऑप्शन नंबर आपका 3 जो है सही हो जाएगा। बताइए दोस्तों, मजा आ रही है कि नहीं दोस्तों, मजा आ रही है कि नहीं दोस्तों। जो लोग नए जुड़े हैं वो कुछ देर रुकेंगे और देखेंगे, अगर वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिएगा। आप इतने लोग देख रहे हैं दोस्तों लेकिन लाइक नहीं किए हैं, बेईमानी है दोस्तों, बेईमानी है, लाइक करना चाहिए ना। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। जी हाँ दोस्तों, कह रहा है कि उस वृत्त का समीकरण क्या होगा जिसका केंद्र 1,2 है और जो बिंदु 4,6 से होकर जाता है। जी हाँ दोस्तों, जिसका केंद्र 1,2 है तथा बिंदु 4,6 से होकर जाता है, यह भी दोस्तों आपका संघ परिच्छेद वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। वृत्त कह रहा, उस वृत्त का समीकरण बताइए जिसका केंद्र 1,2 है, केंद्र आपको दिए हैं दोस्तों 1,2 और 4,6 से होकर जाता है। जी हाँ दोस्तों, 4,6 से होकर जाता है, यही चीज है दोस्तों। और क्या निकालना है हमको दोस्तों, वृत्त का क्या निकालना है,
वृत्त का समीकरण क्या होगा, उस वृत्त का समीकरण क्या होगा जो बिंदु इतने से होकर जाता है। ठीक, तो दोस्तों देखिए कहीं भी कोई भी समस्या नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमको पता है सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या अगर मिल जाए, हमको पता है कि वृत्त का समीकरण होता है दोस्तों, ये सूत्र लिख रहा हूं, वृत्त का समीकरण का सूत्र पता है दोस्तों, होता है कि x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, जहां पर h k जो है आपका वो केंद्र है और जो r है दोस्तों वो त्रिज्या है। जी हाँ दोस्तों, तो केंद्र तो हमको दिया गया है 1, 2, लेकिन हमको त्रिज्या नहीं दी गई है, अर्थात केंद्र से चलकर परिधि तक जाने वाली रेखा को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं दोस्तों, केंद्र से चलकर परिधि तक जाने वाली रेखा को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम इसका मान निकालेंगे, अर्थात अगर हम इसको O मान लें, इसको P मान लें, तो सबसे पहले OP के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए दोस्तों। जी हाँ, OP के बीच की दूरी पहले ज्ञात कीजिए दोस्तों, और OP मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो सूत्र वही है दोस्तों, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर है बराबर दोस्तों अंडर रूट x2, यानी कि x1 y1 x2 y2, तो y x2 कितना है दोस्तों, ये आपका x2, ये आपका x2 y2 है दोस्तों, और ये आपका x1 y1 है, तो x2 का मान कितना है दोस्तों, 4 माइनस x1 का मान 1, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी कि 6 और माइनस y1 2 का होल स्क्वायर। मजा आ रही है कि नहीं दोस्तों, बताइए मजा आ रही है दोस्तों, लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जय हिंद लिखे एक बार दोस्तों, एक बार जय हिंद लिखे दोस्तों, एक बार जय हिंद लिखे दोस्तों, मैं सबके कमेंट देखता हूं दोस्तों, अभी नहीं देख पाता हूं, अभी तो जो है मैं देखता रहता हूं, बाद में देखता हूं दोस्तों, लेकिन कमेंट मैं सबके देखता हूं। तो देखिए दोस्तों, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 1 अर्थात 3, 3 त्रिका 9, और प्लस 6 माइनस 2 का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 और 4 चौक 16 बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा दोस्तों, 25, 5, यानी कि दोस्तों त्रिज्या जो मिल गई हमको, त्रिज्या क्या मिल गई, 5 मिल गई, मतलब आर का मान दोस्तों 5 मिल गया, यच का मान क्या है दोस्तों 1 है, और के का मान 2 है दोस्तों, सूत्र मैंने ये लिखा है दोस्तों, तो अर्थात यक्स माइनस यच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, तो आर का मतलब 25। तो दोस्तों इसी को ओपन कर लीजिए, पहले का वर्ग धन दूसरे का वर्ग माइनस 2 प्लस पहले का वर्ग वाई स्क्वायर धन दूसरे का वर्ग 2 × 4 और माइनस 2 × पहला पद × दूसरा पद, तो 2 × 4 वाई बराबर 25। ठीक, बताइए दोस्तों कहीं कोई समस्या है क्या? है सतेंद्र कह रहे हैं सर तेज पढ़ा रहे हैं, सतेंद्र तेज, चलिए ठीक है, मैं थोड़ा स्लो करूंगा स्पीड, क्योंकि देखिए 25 क्वेश्चन पूरा पढ़ना रहता है हम लोगों को, तो इसलिए थोड़ा तेज बताता हूँ, और ये प्रैक्टिस बैच है दोस्तों, तो इसमें अगर ज़्यादा स्लो बता देंगे तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, लग जाएगा दोस्तों, सुबह और शाम वाली तो आराम से चलती ही है दोस्तों। चलिए कोई बात नहीं, मैं स्लो पढ़ाऊँगा, मोहित मैं स्लो पढ़ाऊँगा, देवेश, आशीष, बस केवल आप लोग जो है लाइक करते रहा करिए दोस्तों, लाइक करते रहा करिए, शेयर करते रहा करिए, ताकि हमको भी मजा आए दोस्तों और आपको भी मजा आए। एक बार मैं फिर से बता दूंगा दोस्तों, जो बच्चा क्लास लेगा पीडीएफ उसी को मिलेगी, क्योंकि जो है दोस्तों आज की पीडीएफ जो है, आज की क्लास की पीडीएफ आपको कल मिलेगी, और इसका पासवर्ड भी दोस्तों कल इसी क्लास में बताया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कल इसी क्लास में उस पीडीएफ का पासवर्ड बताया जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, हल करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y, और दोस्तों देखिए एक ये घट जाएगा दोस्तों, एक बचेगा माइनस 1 और 3 बचेगा प्लस 3 बराबर उधर जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा 22, तो बराबर 22, अर्थात जो आपका सही हो जाएगा दोस्तों, सही क्या हो जाएगा, कुछ गलत किया क्या दोस्तों, हाँ दोस्तों गलत कर दिया, देखिए पहले का वर्ग धन दूसरे का वर्ग माइनस 2 × पहला पद इंटू दूसरा पद, तो दोस्तों यहाँ पे माइनस 2x होगा, अब देखिए ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y दोस्तों, प्लस 1 प्लस 4 दोस्तों, तो प्लस 5 हो गया, और प्लस 5 उधर जाएगा दोस्तों, तो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, यही आ जाएगा दोस्तों आपका आंसर, और देखिए कौन सा सही होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 आपका जो है क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कहीं भी समस्या हो दोस्तों बताइए, कहीं भी समस्या हो दोस्तों बताइए।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर लिखा होगा क्वेश्चन नंबर 29। लिमिट का क्वेश्चन है और मैंने कहा था दोस्तों कि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसमें मैंने एक चैप्टर लिमिट का भी बताया था। लिखा है लिमिट यक्स टेंस टू टू, लिमिट यक्स टेंस टू टू, आगे वन अपान यक्स माइनस दो माइनस फोर अपान यक्स प्लस दो। जी हाँ दोस्तों, यक्स स्क्वायर माइनस फोर। तो दोस्तों देखिए, जब भी आपको लिमिट का क्वेश्चन मिल जाए, अगर आपको छोटा क्वेश्चन है, अगर उसमें कुछ नियम नहीं लग रहा है दोस्तों, तब तो ठीक है, लेकिन अगर उसमें कुछ नियम लग रहा है, गुणनखंड हो रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, गुणनखंड करते हैं। जब इसका गुणनखंड करेंगे यक्स स्क्वायर माइनस फोर का दोस्तों, तो इसको लिख सकते हैं यक्स माइनस दो का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। दोस्तों लिमिट है, लिमिट यक्स टेंस टू टू है दोस्तों, यक्स टेंस टू, वन अपान यक्स माइनस दो माइनस फोर अपान इसकी जहां पे दोस्तों हो जाएगा यक्स प्लस दो और यक्स माइनस दो। आगे लिखेंगे दोस्तों लिमिट यक्स टेंस टू। अब देखिए एलसीएम लेना है दोस्तों, तो यही वाला एलसीएम ले लेंगे यक्स प्लस दो और यक्स माइनस दो। यक्स माइनस दो से दोस्तों यक्स माइनस दो कट जाएगा, बचेगा क्या, यक्स प्लस दो बचेगा, और माइनस इससे पूरे से पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा दोस्तों, चार बचेगा। अर्थात दोस्तों ये हो गया आपका लिमिट यक्स टेंस टू टू यक्स प्लस दो माइनस चार दोस्तों, तो हो जाएगा यक्स माइनस दो बटे यक्स प्लस दो यक्स माइनस दो। दोस्तों तो देखिए यक्स माइनस दो से दोस्तों यक्स माइनस दो कट जाएगा, यानी कि लिमिट यक्स टेंस टू टू वन अपान यक्स प्लस दो दोस्तों, या फिर ये अब मान रख दीजिए तो एक बटे दो प्लस दो यानी कि एक बटे चार, यही आ जाएगा दोस्तों हमारा क्या आंसर। कहीं भी कोई भी समस्या हो दोस्तों कमेंट करिए, और समझ में आ गया हो दोस्तों तो तुरंत जय हिंद लिखिए दोस्तों, समझ में आ गया हो दोस्तों जय हिंद लिखकर कमेंट करिए दोस्तों, जय हिंद लिखकर कमेंट करिए दोस्तों, बताइए कि समझ में आया कि नहीं आया। मोहित, अभिनव, पबजी बॉय, ठीक है, समझ में आ गया, अच्छी बात है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर लिखा है दोस्तों, हाँ क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है कि अवकल समीकरण dy अपान dx बराबर sec स्क्वायर x का हल समीकरण है। जी हाँ दोस्तों, अवकल समीकरण dy अपान dx बराबर sec स्क्वायर x का आपको अवकल समीकरण दिया गया है और इसका हल समीकरण पूछ रहा है दोस्तों। जी हाँ, अगर आपको अवकल समीकरण दिया जाए दोस्तों और हल समीकरण पूछा जाए, तो यक्स वाला टर्म एक तरफ करेंगे दोस्तों, वाई वाला टर्म एक तरफ करेंगे, तो जब यक्स वाला टर्म एक तरफ करेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर यक्स डीएक्स। पहला काम आपको यही करना है दोस्तों कि यक्स वाला पद एक तरफ कर लीजिए, वाई वाला पद एक तरफ कर लीजिए, जब दोनों एक तरफ हो जाए दोस्तों, तो इसका समाकलन कर दीजिए, अर्थात समाकलन dy बराबर समाकलन sec स्क्वायर x dx हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए समाकलन dy, जब भी आप वन यानी कि समाकलन वन dx अगर रहेगा दोस्तों, तो इसका जो समाकलन होता है दोस्तों क्या होता है, x होता है। जी हाँ, अगर दोस्तों इस तरह लिखा है कि समाकलन 1dx बराबर कुछ क्या होता है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, x हो जाएगा। उसी तरह समाकलन sec स्क्वायर x dx बराबर होता है दोस्तों tan x, ठीक, तो वही चीज है दोस्तों, तो इसकी जहां पे हो जाएगा y और बराबर इसकी जहां पे हो जाएगा दोस्तों tan x और प्लस c, यही आ जाएगा आपका आंसर। अर्थात जो आपका इसका आंसर है क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर एक इसका सही हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा हो दोस्तों तो लाइक जरूर करिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, आपकी स्क्रीन पर लिखा होगा क्वेश्चन, क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32, 10 व्यक्तियों को यदि एक गोल मेज के चारों तरफ बैठाया जाए। जी हाँ दोस्तों, 10 व्यक्ति को एक मेज के चारों तरफ बैठाया गया है और कह रहा है कि दो विशेष व्यक्तियों के साथ साथ बैठने की प्रायिकता क्या है। जी हाँ दोस्तों, दो विशेष व्यक्तियों के साथ बैठने की प्रायिकता क्या है, तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, आपके पास दो घटना है, कितनी घटना है दोस्तों, आपके पास दो घटना है, और क्या कह रहा है कि आपके पास दो घटना कौन कौन सी है दोस्तों, क्योंकि मेज के चारों तरफ बैठाला जा रहा है,
ठीक, मेज के चारों तरफ बैठाला जा रहा है। तो एक तो घटना आपके पास ये हो गई दोस्तों, 10 व्यक्ति हैं, कितने 10 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्तियों को साथ बैठाना है, कितना बचे 8 बचे दोस्तों। तो इसका मतलब दोस्तों एक घटना तो ये हो गई दोस्तों, टोटल आपके पास कितने आदमी हैं, 9 आदमी हैं, टोटल आपके पास कितने आदमी हुए दोस्तों। मोहित सर कैसे, तो देखिए 10 आदमी थे, 2 आदमियों को फिक्स कर दिए, 2 आदमियों को फिक्स कर दिए, तो कितने बचे, अब 8 अलग हैं, 8 को हम इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन ये 2 व्यक्ति जहां रहेंगे वहीं रहेंगे दोस्तों। तो वही चीज है, अगर हम इसको यस माने दोस्तों, अगर हम यस को माने 9, ठीक, अगर हम दोस्तों यस को माने 9, और यानी कि 9 का फैक्टोरियल बनेगा दोस्तों, 9 तरीके से बैठाला जा सकता है। और उसी तरह दोस्तों ई घटना अगर कोई मान ले दोस्तों, तो ये हो जाएगा 8 का फैक्टोरियल अपान 2 का फैक्टोरियल, यही चीज है दोस्तों। तो देखिए पीई बराबर होता है दोस्तों, पीई बराबर होता है दोस्तों, अर्थात इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी दोस्तों, जो आपका यन ई है बटे यस यन यस। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों इसका है 8 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल बटे 9 का फैक्टोरियल, और जब इसको हल करेंगे दोस्तों तो 8 का फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 और बटे 9 का फैक्टोरियल तोड़ेंगे गुरु दोस्तों, तो 9 इंटू ये हो जाएगा, अर्थात 2 का 9 2 और बटे 9, यही आ जाएगा दोस्तों आंसर, अर्थात इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 बटे 9। कहीं भी दोस्तों समस्या हो दोस्तों तो कमेंट करिएगा, कहीं भी दोस्तों अगर समस्या हो तो कमेंट करिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर लिखा होगा क्वेश्चन नंबर 33। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 क्या लिखा है देखिएगा, कह रहा है कि द्विघात समीकरण यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 2 बराबर 0, यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 2 बराबर 0 के मूल है। तो इसमें हमको यह बताना है दोस्तों, एक बार फिर से मैं पढ़ लेता हूं, यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात समीकरण यक्स स्क्वायर माइनस यक्स माइनस 2 बराबर 0 के मूल हैं, तो अल्फा की पावर -1 बीटा की पावर -1 का मान क्या होगा, अल्फा की पावर -1 प्लस बीटा की पावर -1। दोस्तों इस नियम का एक प्रश्न एकदम फिक्स आता है, इसलिए जरूर ध्यान से देखिएगा, 1 अपान अल्फा हो जाएगा और 1 अपान बीटा हो जाएगा दोस्तों, अल्फा बीटा एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ए बराबर 1 है, बी बराबर 1 है और सी बराबर दोस्तों -2 है, मतलब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना कर लिए दोस्तों, और हमको पता है, हमको पता है दोस्तों कि मूलों का योग बराबर होता है -b/a, ये सूत्र है दोस्तों, मूलों का योग बराबर -b/a, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a है दोस्तों। और एक सूत्र और है, मूलों का गुणनफल, जी हाँ दोस्तों, मूलों का गुणनफल बराबर c/a, और c का मान है दोस्तों यानी कि अल्फा बीटा बराबर c का मान है -2 और a का मान है 1, यही दोनों मान उठा करके इसमें रख देंगे दोस्तों, यानी कि -b/a और बटे -2/1, तो दोस्तों ये ऊपर चला जाएगा, अर्थात आ जाएगा b/2a, यही आ जाएगा दोस्तों आंसर, b/2a। अच्छा रुक जाइएगा, मान रख दीजिए b का मान कितना है दोस्तों, 1 है, और a का मान 1 है, तो अर्थात 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। तो जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4, 33 का ऑप्शन नंबर 4 जो है सही हो जाएगा दोस्तों। आज का आखिरी प्रश्न दोस्तों देखिए, अगर मजा आ रही दोस्तों तो जय हिंद लिखिए दोस्तों, मजा आ रही हो दोस्तों तो जय हिंद का कमेंट करें जल्दी। आज का आखिरी प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34, जी हाँ क्वेश्चन नंबर 34 दोस्तों, आज हम लोग 34 नंबर तक डिस्कस करेंगे, उसके बाद कल हम 35 से 50 तक, अर्थात कल 15 क्वेश्चन अगले इस मतलब क्लास में आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों देखिए 34 नंबर लिखा हुआ है, 3 माइनस 7i अपान 2 प्लस 5i, इसको दोस्तों हल करना है। और याद रखिएगा, जब भी इस तरह का प्रश्न आ जाए तो आप नीचे से i हटाने का प्रयास करिएगा, और याद रखिएगा i स्क्वायर का मान होता है दोस्तों -1, तो इसका मतलब 2 प्लस 5i है ना, तो 2 माइनस 5i से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए दोस्तों, 2 माइनस 5i से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। अब देखिए यहां पे हो गया 3 माइनस 7i 2 माइनस 5i बटे, एक बार वही चीज प्लस में है
एक बार वही चीज माइनस में है दोस्तों, तो माइनस वाले का वर्ग हो जाएगा 2 × 4 माइनस 5 × 25 आई स्क्वायर। यहां पे हल करेंगे दोस्तों 3 × 2 = 6 माइनस 5 × 3 = 15 आई माइनस 7 × 2 = 14 आई। फिर देखिए दोस्तों माइनस माइनस प्लस 5 × 7 = 35 आई और इंटू आई करेंगे दोस्तों तो आई स्क्वायर बटे 4। आई स्क्वायर का मान माइनस 1 होता है दोस्तों, मैंने बताया, तो जब माइनस 1 रखेंगे तो 4 + 25 हो जाएगा दोस्तों। यहां पे देखिए 6 − 15 i − 14 i तो 14 × 14 = 28 = 29 आई माइनस 29 आई दोस्तों, और प्लस आई स्क्वायर का मान माइनस 1 रखेंगे दोस्तों तो यहां पे हो जाएगा माइनस 35 और 25 × 4 दोस्तों क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। अर्थात माइनस 29 आई दोस्तों माइनस 35 और प्लस 6 तो अर्थात माइनस 29 बटे 29 देखिए दोनों में है तो माइनस आई माइनस 1 यही आ जाएगा दोस्तों आपका आंसर। माइनस आई माइनस 1 हो जाएगा, जैसे ऑप्शन में नहीं मिल रहा है तो यह हो जाएगा माइनस कॉमन ले लीजिए तो आई प्लस 1। तो ये थी क्लास आज की दोस्तों, ये आज की हम लोगों की क्लास थी मैथ की। आज हमने जो है दोस्तों देख रहे होंगे 34 क्वेश्चन अर्थात 25 से लेकर के 34 क्वेश्चन आज हम लोगों ने डिस्कस किया, और कल दोस्तों इसी टाइम हम लोग 35 से लेकर के 50 तक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, यानी कि बचे हुए 15 प्रश्न दोस्तों वो कल डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखिए एक क्लास में पूरी मैथ की 25 सवाल होना, क्योंकि मुझे समझाना भी पड़ता है दोस्तों, तो इसलिए अगर सही से नहीं समझेंगे दोस्तों तो बताने का क्या मतलब रह जाएगा दोस्तों। अगर मजा आ रही हो दोस्तों तो जय हिंद लिखिए दोस्तों, अगर मजा आ रही हो दोस्तों जय हिंद लिखिएगा दोस्तों। तो आज की क्लास में जो हमारे विद्यार्थी प्रेजेंट रहे दोस्तों, आज की क्लास जो जो बच्चे देखे, नील प्रताप, लौलेश यादव, आकृति भदौरिया और सागर पंडित, प्रमोद शर्मा, नितिन राठौर, हनुमान बिश्नोई, शुभम गोदरा, आज दोस्तों मैं सबका नाम ले लूंगा दोस्तों। आज जितने बच्चे कमेंट किए हैं दोस्तों सबका मैं नाम ले रहा हूं, एक लाइन से रहा हूं। मानस अवस्थी, भवानी राठौर, सत्यनारायण अवस्थी, अभिषेक कुमार और पबजी लवर यानी कि अभी, और दोस्तों नील प्रताप हैं, राजपूत एथलेटिक मेंटर और आस्तिक यादव, प्रमोद शर्मा और हनुमान बिश्नोई। दोस्तों मैंने सबका नाम आज ले लिया, आज दोस्तों मैंने सबका नाम ले लिया। तो दोस्तों अगर मजा आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा दोस्तों, और याद रखिएगा कि जो भी बच्चा क्लास देखेगा पीडीएफ उसी को मिलेगी दोस्तों, ठीक। तो कल की क्लास देखिएगा दोस्तों, कल की क्लास में आपको पासवर्ड बताया जाएगा कि आज की क्लास की पीडीएफ का पासवर्ड क्या है दोस्तों, ये आपको कल की क्लास में मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।